फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लौकी का रायता बनाने चल रहे हैं। ये देखिए, हमने लौकी लिया है। लौकी थोड़ा बतिया ही लेना चाहिए, इसमें बिया नहीं है। इसको छीलने चल रहे हैं। हम छील ले रहे हैं इस तरह से। ये हम लौकी छील लिए हैं, अब इसको घिसने चल रहे हैं। इस तरह से हम लौकी को पूरा घिस लेंगे। ये हम इस तरह से लौकी को कद्दूकस कर लिए हैं। हम थोड़ा ही बना रहे हैं, सिर्फ दो लोग के लिए। आप और ज़्यादा भी बना सकती हैं। अब इसको हम चल रहे हैं पानी में धुलने अच्छे से। लौकी को हम अच्छे से साफ पानी से धुल लिए हैं, ये देखिए। अब इसको थोड़ा सा पानी में बॉयल करेंगे। हम रख दिए हैं बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा गल जाए। ये हमारा जीरा भुजा रहा है। जीरा को हम भूज के पीसेंगे। इधर हमारी लौकी पक रही है, तब तक हम जीरा भूज के पीस लेते हैं जल्दी से। ये हमारा जीरा हो गया है। ये हम थोड़ा सा राई ले रहे हैं, ये छोटी वाली राई है। इसको हम थोड़ा सा पीसेंगे इसमें। हम इसको पीस ले रहे हैं। ये हमारा लौकी पक रहा है, लगभग पक गया है। इसको हम बंद कर देंगे गैस। ये लौकी हमारी पक गई है, इसमें से हम रख दें ठंडा हो जाए। और इसका पानी भी निचोड़ देंगे, इसमें से पानी पूरा निकाल लेंगे। देखिए, इस तरफ से हम इसको दाब दाब पानी निकाल ले रहे हैं। हम पानी निकाल ले रहे हैं लौकी का। ये हमारी दही है, इसको हम थोड़ा फेंट लेते हैं, थोड़ा सा गल जाए जो भूखा है। इसको हम अच्छी तरीके से इसे फेंटेंगे तो बारीक हो जाए। ये इसमें अब लौकी मिला। लौकी पानी हम निकाल लिए थे पूरा, देख लीजिए सूखा सूखा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला रहे हैं, सादा नमक। और ये है काला नमक है ये। अब इसको हम मिलाएंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से इसको हम मिला लेते हैं। कर रहे हैं इसमें हल्का सा सरसों का तेल डालेंगे, इसमें छौंका लगाएंगे। ये हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। और इसमें हल्का सा हम राई भी डाल देंगे, खड़ी राई ऊपर से लगाएंगे। ये हम इसको खूब लाल कर लेते हैं, ताकि इसमें दयाली से लाल करने से इसमें डालेंगे रायते में तो सौंफ बना जाता है। ये हमारा गर्म हो गया है, इस तरीके से इसमें छौंका लगा दे रहे हैं। इसको मिलाएंगे। इसमें हम ये जीरा पीसे हुए थे, इसको हम मिला रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च मिला रहे हैं।
ये देखिए थोड़ा सा है तो इसमें बहुत हल्का सा हम चीनी मिला देंगे स्वाद, खट्टा मीठा स्वाद होने के लिए। अब इसको हम सब मिला देंगे। ये हमारा रायता बन के रेडी हो रहा है। इस तरह हमारा रायता बन के रेडी हो गया है। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।